नमस्कार, मैं बलजी ढाका फ्रंट ईयर आईएएस कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे सी सेट से रिलेटेड मुद्दों पे। एचसीएस 2018 जैसा आप जानते हैं अगले 2-3 महीने में होने वाला है और सी सेट से रिलेटेड है। कोर्ट केस भी चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में एप्रीहेंशन है सी सेट से रिलेटेड कि किस तरह का पेपर होगा या सी सेट में सी सेट कितना इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट है घबराते हैं, तो आखिर सी सेट से क्यों बच्चे घबराते हैं उससे रिलेटेड हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और क्या इसमें संभावना बन रही है, वो सारे मुद्दे इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये सी सेट है क्या। एक्चुअल में ये सी सेट का कॉन्सेप्ट है वो यूपीएससी द्वारा आया है। यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें सी सेट काफी दिनों से है, पिछले 7-8 साल से 2011 से सी सेट का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे है। और पहले सी सेट क्वालिफाइंग नहीं होता था, उसके मार्क्स काउंट होते थे। तो हम देखते हैं कि पहले सी सेट है क्या, सिलेबस क्या इसका। सी सेट में बहुत ज़्यादा रोल होता है वो कॉम्प्रीहेंशन का होता है। अब आप बोलेंगे जब कॉम्प्रीहेंशन आ रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट के लिए बराबर होने चाहिए, इसमें कई स्टूडेंट को दिक्कत क्यों होती है। कॉम्प्रीहेंशन 80 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में और मोस्ट प्रोबेबली 100 क्वेश्चन आएंगे एचसीएस में, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा तभी, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन इसमें 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। तो 80 जब क्वेश्चन में से लगभग 40 के आसपास है वो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब किसी चीज़ का ऐसा, जैसे कोई फॉर्मूला याद नहीं करना या कोई चीज़ याद नहीं करने, जो आपकी एबिलिटी है सोचने की उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी इसी में ही आ जाती है मोटे तौर पे, कि जो एक सिचुएशन दी हुई है उसके अनुसार आपको जजमेंट लेना है कि इसमें बोला क्या गया है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब क्लास 10 तक का लिखा हुआ है लेकिन 7वीं 8वीं 9वीं तक की मैथ होता है ये, और डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें चार्ट, ग्राफ, ग्राफ टेबल, डाटा सफिशिएंसी, इस तरह की चीज़ होती है। आप बोल सकते हैं कि अगर ये कोई 10वीं क्लास तक का बच्चा टेस्ट देता है तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है इसमें, क्योंकि स्कूल में वो यही पढ़ता है। कॉम्प्रीहेंशन आजकल बहुत पढ़ते हैं बच्चे, कॉम्प्रीहेंशन देते हैं, एमसीक्यू का टेस्ट भी करते हैं। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ना, कोई हाई लेवल के मैथ के क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफिकल्ट एसएससी सीजीएल लेवल का है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री डीप में है या फिर अलजेब्रा डीप में, मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा डीप में है, ज्योमेट्री डीप में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर अर्थमेटिक होता है, थोड़ा बहुत अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है अलजेब्रा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेटेड। तो मैं बोलूँगा कि ये मैथ का लेवल बहुत लो लेवल का मैथ ही होता है ये। ऐसे ही जो रीजनिंग है, रीजनिंग का लेवल बैंकिंग से कम होता है इसमें, और आप बोल सकते हैं कि एसएससी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं लगभग आमतौर पर 20-25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 8-10 क्वेश्चन होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन है, उसके भी 7-8 क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक पैटर्न बनता है यूपीएससी का, और मोटे तौर पर लगभग ऐसा ही पैटर्न है, कोई 10-15% का इधर उधर कर सकते हैं आप, वो एचसीएससी सेट का बनने वाला है, क्योंकि एक अलग पेपर सी सेट का दिया हुआ है लेकिन सिलेबस सेम है दोनों का। अब मुद्दा आता है कि अगर ये इतना, ये 10वीं तक का लोअर लेवल है, कोई हाई लेवल नहीं है, बाकी एग्जाम से रीजनिंग भी आसान है इसकी, कॉम्प्रीहेंशन है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, अगर किसी ने पढ़ाई की है, जिसने स्कूल कॉलेज में ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो वो क्या दिक्कत है फिर उसके लिए, तो दिक्कत ही होगी। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे डरते हैं, तो हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा। पहले देखते हैं कि ये सी सेट की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया होगा, या अगर आप कंपनियों में जाए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, तो वो एप्टीट्यूड को क्यों प्रेफरेंस देते हैं। जब बंदों को इंटरव्यू लेना होता है, अगर किसी कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है, सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। यहाँ तक कि हम भी एज ए फ्रंट ईयर आईएएस भी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं तो सबसे पहले ये नहीं देखते उसको क्या बाकी कुछ आता है, नहीं, ये देखते हैं कि उसका एप्टीट्यूड किस तरह का है। अगर उसका एप्टीट्यूड ठीक नहीं है तो उसने भले ही, आप सोचिए कि अगर हमें हिंदी का या कोई इंग्लिश का भी लेना है तो सबसे पहले उसका एप्टीट्यूड देखा जाता है। ऐसे आज के टाइम में जब टेस्ट होते हैं, जैसे टीचर का रिक्रूटमेंट भी होती है गवर्नमेंट जॉब में, तो पहले उसका एप्टीट्यूड देखा जाता है, भले ही उसकी बाकी चीज हिंदी का टीचर है, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट में होता है, कहने का मतलब है हर तरह की जॉब में एप्टीट्यूड देखना जरूरी है। और ये क्यों होता है, हम क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी का एप्टीट्यूड होगा ना, उसको कोई भी चीज़ बोली जाएगी तुरंत कर देगा। लेकिन अगर किसी का एप्टीट्यूड ठीक नहीं है और उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा।
ऐसे कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन से फैसला कोई बड़ी पोस्ट पे बंदा जाता है तो उसका सोचने का नजरिया होता है, उसकी स्किल्स होती है, एनालिटिकल स्किल्स वो बड़ी शार्प होती है। तो इसलिए इस ऑब्जेक्टिव के साथ में कि एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो एक लीडरशिप पोजीशन पे होता है और वो सिचुएशन को डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आई है, उस सिचुएशन को एनालाइज करे, मीडिया को समझने की कोशिश करे, सोशल मीडिया को समझने की कोशिश करे, तो उसकी एप्टीट्यूड उसका अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एक कोई स्पेशल सब्जेक्ट में पढ़कर, मान लो कोई हिस्ट्री में पढ़ लिया उसने बहुत कुछ, तो उससे ये पता नहीं चलता कि बहुत अच्छा लीडर हो सकता है। लेकिन अगर एप्टीट्यूड उसका अच्छा है तो वो बहुत चीजें जल्दी ग्रेप्स कर सकता है, सीख सकता है, उसको सिखाई जा सकती है इजिली। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में सी सेट को इंट्रोड्यूस किया गया। इन ए कॉम्प्लेक्स इको पॉलिटी कल्चरल कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट वाइल वर्किंग लीडर शुड बी एबल टू एनालाइज द सिचुएशन एंड टेक रेशनल डिसीजन। वो सिचुएशन को बहुत फास्ट एनालाइज कर पाए और उसके अनुसार रेशनल डिसीजन ले पाए। अगर मान लो कोई इकोनॉमिक का डिसीजन लेना है उसको, अगर किसी एमएनसी मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का उसको एमडी बना दिया जाता है आईएएस ऑफिसर को, तो वहां पे जो बिजनेस डिसीजन लेना है तो उसके पास बहुत सारे डाटा होंगे, उस डाटा के आधार पे उसको एनालाइज करना है। इन फास्ट चेंजिंग टेक्नो इन्वायरमेंट वन नीड्स टू हैव एबिलिटी टू कोप अप विद द टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर एक बंदा है वो साइंस से डरा है, टेक्नोलॉजी से डरा है, टेक्निक से डरा है, तो जब आज के टाइम में इन्वायरमेंट है इस तरह का, तो उसमें वो डिसीजन लेने से हेजिटेट करेगा या समझ में नहीं आएगा उसको। जबकि अगर एक फास्ट इन्वायरमेंट में इन चीज़ों का ज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो तो ज़्यादा बेटर ढंग से वो आगे बढ़ पाएगा या उसको मैनेज कर पाएगा जो है उसको असाइनमेंट दी हुई है। और इसी तरह से हम देखते हैं जब जो बच्चे टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते हैं, वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उसमें आगे बढ़ जाते हैं उन लोगों से, उन स्टूडेंट से जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना वो आपको आगे बढ़ाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है, खुद को भी आगे बढ़ाता है। यूज ऑफ डाटा माइनिंग, डाटा वेयर हाउसिंग इफेक्टिवली। Now more data available, a person must know how to use data available information to develop report and implementation. एक रिपोर्ट लिखनी है, बोला गया कि बताओ कि हरियाणा में जो जेंडर रेशियो है लड़कियों का, लड़कियां की हालत है इतनी ख़राब क्यों है, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी है। तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से वो जगह से डाटा इकट्ठा करेगा, डाटा को एनालाइज करेगा, फिर रिपोर्ट बनाएगा। तो वो सारी जो एबिलिटी वो कहाँ से डेवलप होती है कि आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि चीज़ों को कैच कर पाए, न्यूमेरिकल चीज़ों को कैच कर पाए, डाटा को कैच कर पाए, एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग हो और रिपोर्ट बनाने की एबिलिटी तभी डेवलप होती हो। इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, साइंटिफिक नो हाउ, कम्युनिकेशन इन ए ग्लोबल इन्वायरमेंट। IMF की रिपोर्ट पढ़नी है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़नी है, रिपोर्ट के आधार पर आप सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, किसी भी मंत्रालय में, इरीगेशन डिपार्टमेंट में, और इरीगेशन की रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट ही नहीं पढ़ पाए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों से है, लेकिन मोटे तौर पर इंग्लिश का भी रोल है, क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्ट है वो तो इंग्लिश में ही होती है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आएगी तो वो रिपोर्ट कैसे बन पाएगी। अब आप ये तो नहीं बोल सकते ना हर ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में इंग्लिश होगी, वर्ल्ड बैंक की इंग्लिश होगी, IMF की इंग्लिश होगी, तो सच्चाई से वास्ता होना चाहिए। सारा इंटरनेट पे जो चीज़ें होती हैं आमतौर पे वो इंग्लिश में होती है, अगर कोई साइंस की रिपोर्ट आती है वो इंग्लिश में होती है, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है वो इंग्लिश में होती है। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ों का इंग्लिश में होती है। आप इसका विरोध करेंगे तो इसी से ही आपके दिमाग में ये अंतर विवाद उठ जाता है कि कहीं ना कहीं आप रास्ते से भटक रहे हैं। जो चीज़ें हैं प्रैक्टिकल हैं, आगे बढ़ने वाली है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सी सेट ने ये इंट्रोड्यूस किया। जब सी सेट का इंट्रोड्यूस कर दिया इन ऑब्जेक्टिव के साथ में विभिन्न रिपोर्ट के आधार पे कि हमें आने वाले टाइम में ऐसे ऑफिसर चाहिए और ऐसे ही कॉरपोरेट में जो मैनेजर वगैरह है वो इस तरह के रिक्रूट किए जाते हैं, तो हुआ क्या फिर है कि इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बोलिए या एक किस्म से देखिए कि कुछ एक ड्रास्टिक चेंज आने स्टार्ट हो गया। क्या इम्पैक्ट आया कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सी सेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद में इंजीनियरिंग साइंस मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट है वो उन्होंने डोमिनेट कर दिया एग्जाम को, मतलब कि एक वन साइडेड बना दिया। अगर पहले 10-20% साइंस स्टूडेंट क्वालिफाई करते थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्वालिफाई करते थे, अब वो रेशियो 95 तक पहुँच गया। मतलब कहने का है कि जब UPSC में एक सब्जेक्ट होता था पहले, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और GS का पेपर होता था, उस टाइम में ज़्यादातर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चे क्वालिफाई करते थे। लेकिन जैसे सीसेट का इंट्रोड्यूस हुआ
तो जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे या मेडिकल बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के, जो पेपर नहीं देते थे, उन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी इसमें, और उनको ये सूट कर रहा था, उनको ये सूट कर रहा था, इसलिए ये मामला एक तरफा हो गया। इसका मतलब कि लगभग लगभग ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, कंप्लीट स्वीप हो गया, वन साइडेड मुकाबला हो गया। और सिचुएशन कई बार तो ऐसी हो गई कि ज्यादा 190-200 के आसपास बच्चे सीसेट में ला रहे हैं, आईआईटी के बच्चे, अच्छे जगह से बच्चे जिनका एप्टीट्यूड बहुत हाई है, वो 200 का 200 स्कोर कर लेते हैं सीसेट में, और थोड़ा बहुत वो क्या है जीएस पढ़ते हैं, इसी से क्वालिफाई हो गया। जबकि दूसरा बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, और सीसेट इतना अच्छा नहीं है लेकिन उसका जीएस काफी अच्छा है, और मेंस में हो सकता है वो अच्छा रोल निभा भी पाता प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद में, लेकिन क्या है कि वो किसी भी हालत में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो है, वो तो इसका सीसेट ऑलरेडी अच्छा है, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने की तैयारी में वो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, 6 महीने की तैयारी में यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है, वो 3-4 साल में प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सामने जो मुकाबला हो रहा है वो उस स्टूडेंट के साथ में है जो कोई वर्ल्ड बैंक के साथ में काम कर रहा है, कोई बड़ी कंपनी छोड़कर आ रहा है, कोई सिंगापुर में काम कर रहा है, बड़ी पोजीशन पे काम कर रहा है, आईआईटी क्वालिफाइड है, एफएमएस क्वालिफाइड है, मतलब ये आईएमएस क्वालिफाइड है, वो बच्चे हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट जब कर रहे हैं तो वो दूसरों को बिल्कुल भी आसपास भी फटने नहीं दे रहे हैं। इससे क्या हुआ कि उन बच्चों में एक इस तरह की भावना आई कि हम तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर ये सीसेट में या इस पैटर्न में चेंज नहीं हुआ, तो यूपीएससी ने इसको करेक्ट माना कि नहीं नहीं यही चाहिए हमें, तभी बेटर ऑफिसर होंगे, तो आंदोलन हुआ। तो उस टाइम में फैसला कौन करता, आखिर फैसला तो गवर्नमेंट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा तो चेंजेज आए, मेनी केसेस इन मेन्स ऑल्सो सिंस, अच्छा जब कॉम्पिटिशन इस तरह से हो गया कि प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई हो रहे थे प्रीलिम्स से मेंस में, वो तो वही हो रहे थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या हाई लेवल के स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी वाले कॉमर्स वाले बाहर हो रहे थे, तो कंपटीशन मेंस में होगा किसके साथ में, कंपटीशन तो मेंस में उन्हीं के साथ में होगा जो क्वालिफाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेंस की जो कट ऑफ है या मेरिट है वो भी नीचे जाने लग गई। कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि कोई बच्चा बिना जीएस खास पढ़े हुए भी आईएएस बन रहा है, जबकि जो बहुत जीएस पढ़ ली उसने उसका तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ प्रीलिम्स, तो ये सिचुएशन भी आने स्टार्ट हो गई। इन मेंस आल्सो सिंस कंपटीशन वाज अमंग सच कैंडिडेट्स आल्सो नोटिस दैट ह्यूमैनिटी कॉमर्स हिंदी बैकग्राउंड, अच्छा इसका इंपैक्ट हिंदी बैकग्राउंड पे भी आना स्टार्ट हुआ। आप बोलेंगे ये पेपर तो हिंदी में आ ही रहा था, फिर दिक्कत क्या है, सीसेट की हिंदी में था, दिक्कत क्या है, रूरल स्टूडेंट को भी दिक्कत आनी स्टार्ट हुई कि वो भी ज्यादा कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पा रहे थे, हिंदी मीडियम, रूरल बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे ये वाले स्टूडेंट, कौन से, ये जो इंजीनियरिंग है, डॉक्टर्स है, साइंस स्टूडेंट है, वो हाई लेवल के इंस्टीट्यूट से आकर और थोड़ा बहुत तैयारी करने है ये एग्जाम निकाल रहे थे। इस वन साइडेड कंपटीशन क्रिएट हो गया, और इससे स्टूडेंट में बहुत ज्यादा एक नाराजगी भी उत्पन्न हुई, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट कौन थे, मेजोरिटी स्टूडेंट तो यही थे आर्ट्स वाले या हिंदी बैकग्राउंड वाले, रूरल बैकग्राउंड वाले, तो मेजोरिटी स्टूडेंट तो वही होते, क्योंकि आमतौर पर इसी तरह के स्टूडेंट है गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करते हैं, जो बहुत रिच होगा या बड़े शहर में रह रहा होगा या बहुत इंग्लिश मीडियम होगा, तो उसको तो नौकरी वैसे भी मिल जाएगी बहुत जगह पे। तो इस तरह की भावना उत्पन्न आई कि हम तो बेरोजगार, इसको नौकरी के साथ ज्यादा एसोसिएट किया गया। यूपीएससी ने किसके साथ में एसोसिएट किया था, यूपीएससी ने, कि हमें किस तरह के लीडर चाहिए, और स्टूडेंट के दिमाग स्टूडेंट ने किस तरह की चीज के साथ कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, नौकरी वो ले जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा डिवाइड हुआ, आंदोलन हुआ, आंदोलन होने के बाद में फिर ये सीसेट को चेंज किया गया और इसको क्वालिफाइंग बना दिया गया, गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेरियन किया, गवर्नमेंट ने इसको आदेश दिया और क्वालिफाइंग हुआ। हालांकि यूपीएससी का तो फिर भी मानना था कि जो पहले वाला पैटर्न है वही होना चाहिए। हाउ डिस्पाइट, अच्छा अब मुद्दा यह आया कि क्या जब सीसेट क्वालिफाइंग हुआ तो सिचुएशन में चेंज आया क्या, क्या जो वन साइडेड मुकाबला है, अब इसको इस नज़र से मत देखिए कि मैं कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के खिलाफ हूँ या उनके खिलाफ हूँ या वन साइडेड, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि सीसेट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, उसके भी पॉजिटिव चीज़ है और नेगेटिव क्या निकल कर आई कि उसमें जो कॉम्पिटिशन है कुछ एक लोगों में हो गया। However, despite qualifying situation is not improved and still engineering, science, medical, English medium background student are dominating the result. अब भी जब ये सीसेट क्वालिफाइंग हो गया, अब ये वाले जो स्टूडेंट है हिंदी मीडियम या बाकी जो ह्यूमैनिटी वाले,
उनके लिए तो सीसेट को क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब 33% का स्कोर करना भी मुश्किल हो रहा है, और अगर क्वालिफाई भी हो जाता है तो उस तरह की सिचुएशन में इतना जोर लगा रहे हैं वो सीसेट के ऊपर कि जीएस कमजोर हो जा रहा है, जीएस कमजोर हो रहा है, या फिर वो जो मेंस में भी यूपीएससी का पैटर्न है वो ज्यादा एनालिटिकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें कि आपकी नॉलेज कम और जो स्किल्स है करंट का स्किल्स वो ज्यादा चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, इंटरप्रिटेशन स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, तो वो सारी चीजें, और राइटिंग स्किल चाहिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी चाहिए, और साइंस हुआ या टेक्नोलॉजी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, डिफेंस हुआ, सिक्योरिटी हुआ, सिलेबस को चेंज करके इस तरह से बनाया कि वो स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं आज के टाइम में भी। इंजीनियरिंग साइंस मेडिकल बैकग्राउंड का जो दबदबा है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 90% से ज़्यादा लोग हैं वो इस तरह का स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेते हैं। अब मुद्दा आता है कि ये सीसेट इतना खतरनाक साबित हो रहा है तो हरियाणा सरकार ने ऐसा क्यों किया कि सीसेट को क्वालिफाइंग नहीं बनाया और मेरिट में काउंट हुआ। मुझे लगता है कि उस टाइम में जब ये डिस्कशन वगैरह हुई होगी तो ये गंभीर डिस्कशन भी शायद नहीं हुई होगी, और उन्होंने जो यूपीएससी ने क्या में पैटर्न क्या चल रहा है उसका भी और क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या डिसीजन लिया है, तो उस तरह का शायद उन्होंने इसका अच्छे ढंग से एनालिसिस नहीं किया होगा और सीसेट को मेरिट में ही रखा। जब सीसेट को मेरिट में रखा तो फिर स्टूडेंट के दिमाग में एक टेंशन बैठ गई, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में, कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं एचएस की, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बार क्वालिफाई ना कर पाए, चार साल के बाद एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, और ऑब्वियसली है कि ऐसे स्टूडेंट है वो फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में हो सकता है सरकार के पाले में गेंद है, क्या वो क्वालिफाई करेगी, क्या सीसेट को एज ए मेरिट के रूप में रखेगी, हो सकता है 50-50 सिचुएशन हो, लेकिन जब तक ये क्वालिफाइंग नहीं होता तो स्टूडेंट को यही मानना चाहिए कि सीसेट को मेरिट में काउंट किया जाएगा जब तक ये क्वालिफाइंग नहीं होता। हो सकता है हो जाए क्वालिफाइंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा क्वालिफाइंग, लेकिन जब तक नहीं होता उसको मेरिट में काउंट करें। सीसेट नॉट क्वालिफाइंग मीन्स वन स्कोर विल बी काउंटेड। अब इससे रिजल्ट क्या होगा, इससे इस बात की काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी कि एक साइड वन साइडेड मुकाबला आउटकम आएगा इसका, जिसका सीसेट स्ट्रॉन्ग होगा, जिसने 100 में से 80-90 स्कोर किया और उसको 10-20 नंबर करने की या 20-25 नंबर करने की जरूरत होगी जीएस में, मतलब कि जो सीसेट में राजा होगा वही मेंस में जाएगा और मुकाबला फिर उन्हीं स्टूडेंट के बीच में होगा, इस बात की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। तो ये फायदा किसको पहुंचा सकता है, इंजीनियरिंग साइंस मेडिकल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को पहुंचाएगा और फिर मेंस में मुकाबला भी उन्हीं के बीच में होगा। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अगर 70-80 हज़ार स्टूडेंट के आसपास लोगों ने अप्लाई किया है तो एक्चुअल में 10-1 हज़ार स्टूडेंट होंगे वो उन्हीं के बीच में मुकाबला है। हो सकता है बाकी स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उनकी मेहनत क्या उनको डोमिनेट कर पाएगी, ये एक क्वेश्चन मार्क सीसेट लगाता है। और अगर मान लो एक सिचुएशन ये भी मान लीजिए कि सरकार है वो पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो इस कैटेगरी 10,000 वाले में नहीं आ रहे, 90 वाले में आ रहे हैं, तो अगर मान लो सरकार ऐसा लगता है उसको कि पॉलिटिकल नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए कहीं आंदोलन न बन जाए या इस तरह की चीज़ें, तो वो 33% कर देती है, क्वालिफाइंग कर देती है यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए और बाकी राज्य सरकारों को ध्यान में रखते हुए, मान लो ऐसा कर देती है। नॉट ईजी फॉर मेनी इवन टू क्वालिफाई, ऐसा नहीं होगा फिर कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी क्वालिफाइंग नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी 33% लेना भी इतना आसान नहीं होता। जो बच्चे इसमें सीसेट से डर रहे हैं उनके दिमाग में एक डर बैठा हुआ है और जब तक वो डर नहीं निकालेंगे, जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, सीसेट में स्कोर नहीं आएगा और एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगले 2-3 महीने में एग्जाम होने वाला है तो इस दौरान वो एक्शन जरूर ले। चेक वेयर डू यू स्टैंड, फिलहाल आपकी क्या सिचुएशन है, क्या आप 33% या उससे ज़्यादा स्कोर, मतलब 40% के आसपास स्कोर आप कर पा रहे हैं फिलहाल। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो हम एक टेस्ट है सीसेट का, ऑनलाइन टेस्ट है हमारे पोर्टल पे फ्री है, 15 अक्टूबर को 9 बजे से 9 AM ऑनवर्ड्स है वो टेस्ट है, हम वहाँ पे रिलीज कर देंगे। जिस स्टूडेंट को इसका कोई चार्जेस नहीं, जिस स्टूडेंट को ये टेस्ट देना है और अपने आप को इवेल्युएट करना है कि वो सीसेट में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 80% वाला स्टूडेंट हो, या ऐसा तो नहीं है वो 33 वाला हो, या ऐसा नहीं हो कि वो 33 लेना उसके लिए आसान नहीं होगा, कहीं वो विकेट नहीं गिरा ले और जीएस पे इतना फोकस कर दे कि पता चला जीएस पे तो इतना कर दिया लेकिन वो सीसेट से बाहरी हो गया, तो उसकी उस ऐसी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। वो एक बैलेंस पढ़ाई करें और उस बैलेंस पढ़ाई में इस बात का ध्यान रखें कि वो आउट ना हो कहीं पर।
जब आउट ना हो बैलेंस पढ़ाई करे, स्कोर को ऑप्टिमाइज करे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पे, तो उसकी पर वो उसके चांसेस है इस एग्जाम को ओवरऑल क्वालिफाई करने के ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ये भी इफेक्ट है कि आप यूपीएससी को एचसीएस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी का मेंस है ना वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग और जो मेडिकल साइंस स्टूडेंट के फेवर में ज़्यादा नजर आता है। एचसीएस में ऐसा नहीं है, एचसीएस में क्या आपका हिंदी में हिंदी का पेपर है और मेरिट काउंट होगी, आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का पेपर है उसमें भी आप मेरिट में आ सकते हैं, उसमें कोई इंजीनियरिंग का कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका जीएस का पेपर है, वो जीएस का भी एक नॉर्मल पेपर आता है, एनालिटिकल टाइप का इतना ज़्यादा नहीं आता, नोट्स लिखने आते हैं, तो जिसकी राइटिंग ठीक है तो वो स्कोर कर सकता है। और फिर उसके बाद दो ऑप्शनल पेपर है, तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि और जो ऑप्शनल होते हैं उसमें भी आपको बहुत ही लिमिटेड टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि राइटिंग स्किल्स ज़्यादा मैटर करेगा, आपकी एनालिटिकल स्किल्स जैसे यूपीएससी मैटर करे उतना ज़्यादा नहीं होगा। कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि ये जो सी सेट की हर्डल है वो एक बार क्वालिफाई करना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये फायदा उठाना चाहते हैं तो इस टेस्ट को दे सकते हैं। ओनली सॉल्यूशन इस समस्या का समाधान, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं हो सकता कि आप सीसेट क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब ऐसा क्या इंजीनियरिंग को गालियां देना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को मेडिकल को देना, इससे कोई समाधान नहीं होगा, या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को गाली देना इससे समाधान नहीं होगा। समाधान क्या है कि आप मेहनत करेंगे तो और स्टडी करते रहेंगे राइट डायरेक्शन में, ऑप्टिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक बेटर रिजल्ट आ सकता है, तो ये एक बेटर रिजल्ट आ सकता है। अब कुछ एक टिप्स दे सकता हूं मैं जिससे कि सी सेट में आप स्कोर बेटर कर सकते हैं। एक तो आप सिलेबस जरूर कवर करें, सिलेबस का मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन तो आपके जो टेस्ट है उससे कवर हो सकता है, क्योंकि एसएस पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको थोड़े डिफिकल्ट आर्टिकल है द हिंदू है या इस तरह के अखबारों के पढ़ने पड़ेंगे, जिससे कि आपका जो डिफिकल्ट पढ़ने की रीडिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए और उसमें सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन में काफ़ी मदद मिलती है, स्पीड भी बनती है और समझ में आने की एबिलिटी ज़्यादा डेवलप होती है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सी सेट, सी सेट में आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, क्या आपके कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है या मैथ स्ट्रॉन्ग है या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग है उसको आप पूरा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैथ्स में भी अगर जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर फोकस कर लीजिए, ऐसा नहीं है आप अननेसेसरी किसी ऐसे टॉपिक पे लग जाएं इतना टाइम खराब कर दें जो आपका स्कोर है वो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना हो उसके बावजूद भी। प्रैक्टिस इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है। ये नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, ये स्किल्स का टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है सी सेट, नॉलेज का टेस्ट नहीं होता ये। तो प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 100 क्वेश्चन करने आपको जब एक घंटे में, ये आसान नहीं हो, बहुत तेज स्पीड चाहिएगी, तो बिना प्रैक्टिस स्पीड नहीं आएगी, भलाई कितना ही नॉलेज हो उसमें। स्पीड मैटर, मोर प्रैक्टिस मोर स्पीड बनेगी। इफ पॉसिबल ट्राई इन इंग्लिश। अब मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश में बराबर से हैं उनको इंग्लिश में करना चाहिए, जो बच्चे इंग्लिश समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके लिए हिंदी है फिर, लेकिन कहाँ कहाँ पर दिक्कत आ सकती है उनको ये देखना पड़ेगा फिर आखिर तक। लेकिन जो बच्चे 50-50 होते हैं कि मैं हिंदी मीडियम लूँ या इंग्लिश लूँ, तो मेरा ये सजेशन है कि आमतौर पर संभावना इंग्लिश में ज़्यादा बन जाती है, स्पेशली सी सेट के केस में, क्योंकि आपको समझना आसान हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को या रीजनिंग के क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है, तो आप इंग्लिश में ही ज़्यादा कोशिश करें। रीडिंग टफ आर्टिकल इन न्यूज़पेपर लाइक हिंदू, मुश्किल से मुश्किल आर्टिकल। देखो आप अखबार की भाषा जो हिंदी मीडियम के अखबार होते हैं बहुत आसान सी भाषा होती है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंशन इतने आसान नहीं आते। कॉम्प्रिहेंशन में एक्चुअली पूछा ही आपसे मुश्किल चीज में से पूछा जाता है कि आपको वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, जब आपने मुश्किल पढ़ी नहीं तो आंसर क्या देंगे फिर। तो पहले या मुश्किल चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, इससे आपकी जो दिमाग पे भी प्रेशर बनेगा और स्किल्स भी डेवलप होगी। जो क्वेश्चन नहीं आते आपको प्रैक्टिस में या जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें। कहने का मतलब है कोई 100 क्वेश्चन है, मान लो कोई ज़रूरी नहीं है 100 क्वेश्चन करें, हो सकता है आप 60 क्वेश्चन करके भी आप ज़्यादा रिजल्ट दे सकते हैं, 60 क्वेश्चन करके भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है 100 क्वेश्चन करने हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कई बच्चे क्या होते हैं कि डरते हैं स्किप करने से या छोड़ने से, छोड़ना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सी सेट में, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत मैटर करेगी। अगर किसी बच्चे ने 10 मिनट ले लिए 2-3 क्वेश्चन में तो वो तो पहले कॉम्पिटिशन बाहर हो जाएगा, इसलिए वो टाइम वेस्ट अननेसेसरी ना करें और 3 राउंड में क्वेश्चन करने की कोशिश करें। मतलब कि पहले एक बार सारे 100 क्वेश्चन है मान लो तो आसान आसान क्वेश्चन कर ले फटाफट, अब आसान आसान मान लो 40 क्वेश्चन थे, अब इसका मतलब कॉम्पिटिटिव क्वालिफाइड हो गया वो। अगर ये स्ट्रेटजी नहीं अपनाता तो क्या दिक्कत आ जाती कि पहले ही वो एक घंटा उसका टाइम था या जितना टाइम है उसका वो खराब कर लिया उसने, कुछ क्वेश्चन में मुश्किल थे अटक कर खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। पहले राउंड में वो आसान क्वेश्चन करें, दूसरे राउंड में फिर क्या है कि वो थोड़े से, अब 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं तो मतलब कि स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूसरे राउंड में जाइए आप
दूसरे राउंड में जाइए आप, उसके बाद क्या मीडियम साइज के क्वेश्चन कर ले जो दूसरे ऐसा लगता है कि हो सकते हैं। जब आपके पास टाइम बच जाता है तो थर्ड राउंड में जो मुश्किल क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, लेकिन उस दौरान आप क्वालिफाई तो हो चुके थे और आपका हो सकता है अच्छा स्कोर भी आ जाए। आपका स्कोर अगर मेरिट में ये क्वालिफाइंग नहीं होता है तो फिर 80% के आसपास आपका स्कोर होगा, तो आप फिर मेंस की तरफ सोच सकते हैं। और अगर आप ये मेरिट क्वालिफाइंग है तो 33 या जितना भी 35 या 40% आपसे उम्मीद किया जाएगा, तो फिर उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा हमारा एक फेस्टिव ऑफर चल रहा है 10 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, 50% डिस्काउंट है, चाहे वो HCS के कोर्सेज हो, टेस्ट सीरीज हो, IAS का हो या फिर RS का हो, इन सारे टेस्ट सीरीज पे या कोर्सेज पे आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। HCS की भी टेस्ट सीरीज है, 20 GS के टेस्ट और 20 CSET के, और ये 20 CSET की टेस्ट है बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर देंगे, स्पेशली अगर क्वालिफाइंग होता है तो उस केस में तो आपको यही मेन रोल आपका अदा कर देंगे। हालांकि नॉलेज होना चाहिए, CSET की आपको जो कोर्स है वो भी करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप CSET को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे माइंड में और इतना प्रेशर नहीं मानेंगे, और एक अगर मान लो क्वालिफाइंग नहीं भी होता है, मेरिट में भी आता है, तो आपकी स्ट्रेटजी उसी अनुसार बननी चाहिए। अगर क्वालिफाइंग होता है तो आपकी स्ट्रेटजी कम से कम क्वालिफाइंग की जरूर होनी चाहिए, लेकिन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि भाई अब तो क्वालिफाइंग हुआ मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर ये सोचने वाले बाहर ही होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।